होने आया। ओह शिट, ओह गिर गया। प्रो गोविंदा 2023 पहिल्यांदाच आपल्या महाराष्ट्राचा सण आता मॅटवर खेळला जाणार आहे। चैंपियंस सो हेलो गाइस, एंड कैसे हैं मुंबईकर्स। सो आज हम लोग जा रहे हैं वर्ली जा रहे हैं, क्योंकि आज कोई गणेश आगमन नहीं है, गणपति आगमन नहीं रहेगा, और इसमें कोई वर्कशॉप का वीडियो नहीं है। पर ये जो वीडियो है और जो ये व्लॉग है बेस है दयाटी पे, और वर्ली में अभी प्रो गोविंदा का फाइनल है। आज प्रो गोविंदा का 2023 प्रो गोविंदा का फाइनल है, तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। और अभी फिलहाल हम लोग टैक्सी में, और वहाँ पर कुछ रूल्स हैं कि 1000 मतलब क्राउड रहेगा, 1000 के अमाउंट में अंदर जाने देंगे और उसके बाद अलाउ नहीं है। सो अभी वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमें अलाउ करते हैं कि नहीं, और जैसे अलाउ करेंगे तो एक पूरा ब्लॉग कम्प्लीट करूँगा और आपको बताऊँगा कि वहाँ पर क्या क्या था, और मतलब अच्छे अच्छे मतलब जो वहाँ पर होने वाले थर लगेंगे वहाँ पर, जैसे कि और बड़े बड़े वहाँ पर पतक रहेंगे, ग्रुप्स रहेंगे, जैसे कि जय जवान पतक है और कोकण नगर पतक, ऐसे सब अलग अलग बहुत सारे। सो सारे कवर करने ट्राई करूँगा और आपको बताऊँगा। सो एंड तक बने रहना, काफ़ी अच्छा व्लॉग होगा। सो अभी चलते हैं और डायरेक्टली आपको वहाँ पर मिलते हैं। सो गाइस, अभी एंट्री मिल चुके हैं, हम लोग को एक पास मिला है जो कि तब फ्री में था पास, और अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं अंदर। हम लोग अभी अंदर पहुँच चुके हैं और भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ आई है, तो आपको लॉबी भी दिखाता हूँ। और लॉबी इधर काफ़ी मस्त है, ये जो स्टेडियम है पूरा स्टेडियम काफ़ी मस्त स्टेडियम है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अरे जय भवानी, शिवाजी। प्रो गोविंदा 2023 पहिल्यांदाच आपल्या महाराष्ट्राचा सण आता मॅटवर खेळला जाणार आहे। कोकण नगरचे सपोर्टर्स, कोकण नगर क्या बात है, गाड़ा भरून भरून आले हिंदू एकता के सपोर्टर। आपल्या गोविंदाने सपोर्ट करण्यासाठी या NSCI टोम मध्ये आलेले आहेत, हेच विजन आपलं होतं आणि ती दूरदृष्टी आपली होती, म्हणूनच आपल्या मातीतला सण आता वेगळ्या स्वरूपामध्ये मॅटवर आलाय। सर्वात पहिल्या प्रो गोविंदा लीग या मंचावर स्वागत करूया आर्यन्स गोविंदा पथक। टाइम आहे 18 सेकंड 02, सो विनर इज गोइंग ऑन
काय वाटतंय काय वाटतंय काय वाटतंय ही खळबळ ही चुळबुळ आम्हाला आवडते. काय वाटतं कोण जिंकलो? यश गोविंद पथक 31 एंड कोकण नगर गोविंदा पथक 22.33. सो विनर इज कोकण नगर गोविंदा पथक. आणि या मॅच मध्ये जिंकलेले आहे श्री अष्टविनायक. सगळ्यांना कळून चुकलेले आहे का तो आवाज का आला का आला. तो गाइस ये था 6 थर का ये कंपटीशन जो था उसमें सिर्फ 6 थर का ये लगाया था और काफ़ी मस्त हुआ. और एंडिंग का जो राउंड था जो कि था जय जवान पतक का काफ़ी क्लियर कट था उन्होंने तो मतलब कह सकते हो वन साइड लेके गए पूरा. और अभी अभी राउंड चल रहा है अंदर. सो अभी हम लोग तो फिलहाल बाहर आए और थोड़ी देर में अंदर जाएंगे. सो चलो चलते हैं और मिलते डायरेक्टली रिटर्न लॉबी में. सो गाइस अभी हम लोग बाहर आए थे और नाश्ता तो कुछ मिल नहीं रहा था. हम लोग ये देखो बिस्किट खा रहे बिस्किट और करण खा रहा है कुछ वेफर्स. अभी सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा. फर्स्ट राउंड हो गया उसमें 8 टीम्स शायद बाहर निकली जो जीती और बाकी जो नॉकआउट थी सारी नॉकआउट हो गई. सो अभी 8 टीम्स जो है उनका अभी कंपटीशन होगा. सो अभी चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि क्या कंपटीशन है. सो चलो चलते हैं और मिलते हैं अंदर. तो गाइस अभी यहाँ पर सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ जो कि है 7 थर का होगा और सिर्फ सिंगल सॉरी थोड़ा आवाज आ रहा है पर यहाँ पर अभी सिर्फ सिंगल ही टीम परफॉर्म करेगी. सिर्फ सिंगल टीम का ये लगेगा जयंती. तो भाई ये है पूरी आर्यंस की टीम. आर्यंस करके मंडल है उनकी टीम है पूरी. सो अभी इनका जो 7 थर का है उनका फर्स्ट राउंड है और पहली टीम ही है. तो भाई यहाँ पर टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 3 मिनट का टाइम दिया जाता है यहाँ पर लोगों मतलब अपने टीम वो करने जो भी उन लोगों का प्लान रहेगा प्लान करने और हर्डल बना के वो लोग अभी फिलहाल वहाँ पर प्लान कर रहे हैं. और उन लोगों को 3 मिनट के अंदर ही 1 मिनट के अंदर ये जो सेकंड बेस रहता है बेस वो कंप्लीट करना होता है उन्हें. हाँ बेस फॉर्मेशन जो रहता है वो कंप्लीट करना होता है 3 मिनट के अंदर. और उसके बाद जो ऊपर के जो लगेंगे वो सारे ऊपर उसके बाद में लगेंगे 3 मिनट कंप्लीट होने के बाद. तो अभी फिलहाल ये लोग इतना बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहे हैं. तो गाइस अभी ये लोग स्पीड देखना कि कितने स्पीड से ये लोग ऊपर चढ़ते हैं और वो पूरा अपना जो पिरामिड रहता है वो कंप्लीट करते हैं. ये देखो यहाँ पर हुटर बच चुका है. हाँ क्या स्पीड है. कितना जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ रहे देखो. और ये ऊपर अभी पहुँचेगा वो बंदा और वो अभी सलामी देगा
और एक दोनों हाथ ऊपर करके उसमें सलामी दे दी। ये थी मतलब सात थर था पूरा, सात लेयर्स बनी थी और काफी मस्त और बहुत ये बड़ा था। सो ये टीम का नाम है कोकन नगर और स्पीड देख सकते हो कितना जल्दी पूरा वो हैंडी खड़ा कर दिया। और ये भाई ने अभी सलामी डन। इंडियाची बेस फॉर्मेशनची वेळ सुरू झालेली आहे। यहाँ पर छह टीम का मतलब थर लगा के हो गया है। हमें लास्ट टीम है जो कि है जय जवान टीम। सो अब यहाँ पर क्रेज देखो, पब्लिक कहीं चिल्ला जी हो देखो। जय जवान टीम। स्पीड आपल्या सगळ्या गोविंदासाठी मेहनत केली, तयारी केली। पहिली टीम टॉप फोर की पहिली टीम जो की कोकण नगर। सो अभी ये लोग का अभी थर लगेगा जो की होगा आठ थर का। उन लोग का जो हड्डी लगेगा दही हड्डी लगेगा वो होगा आठ थर का। और ये लोग का मतलब टाइम के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि कितना ये टॉप फोर में से किसने कितना कम टाइम लिया है पूरा वो थर लगाने में। और जिसका ज़्यादा ज़्यादा कम रहेगा वो फर्स्ट मतलब विनर चूज किया जाएगा उस हिसाब से। तो अभी देखते हैं कोकण नगर कितना सेकेंड में कर पाता है। तो चलो देखो और एंड तक बने रहो। तो देखते हैं कि कितने सेकेंड में कर पाते हैं। काफी थ्रिल है। देखो अभी कितने सेकंड्स में चलते हैं। टाइम स्टार्टेड। ओ काफी जल्दी जल्दी हुआ है। अभी ऊपर का जो सलामी देते हो देखते कितने टाइम में देते। अच्छा ये आठ थर का है, थोड़ा टाइम लग गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठवां थर लग रहा है। वो बैलेंस बनाना काफ़ी हार्ड है। ओके एक नंबर एक नंबर। बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ओ
हो गया डन, 8 सर कंप्लीट किए पूरे और एकदम अच्छे प्रॉपरली बैलेंसिंग के साथ। अभी वो जो रिजल्ट होगा वो सेकंड्स के ऊपर डिसाइड किया जाएगा, कितने सेकंड्स लगे, कितने मिनट्स लगे, पर काफ़ी मस्त किया, काफ़ी जल्दी बनाया। वेल डन कोकन नगर। तो ये होगा कोकन नगर राउंड का, कोकन नगर टीम का राउंड क्लियर। और अभी होगी नेक्स्ट टीम, और इन लोग का कुछ पेनल्टी नहीं आई, एकदम क्लियर था। गाइस अभी राउंड है यहाँ पर हिंदू एकता टीम का ग्रुप का, और अभी देखते हैं कि ये लोग प्रॉपरली मतलब 8 थर लगा पाते हैं या नहीं, और बैलेंसिंग भी प्रॉपरली कर पाते हैं, और सेकंड्स का तो एंडिंग में पता जाएगा। सो अभी तो फिलहाल थर का देखना है कि 8 थर लगा पाते हैं। सो चलो देखते हैं। 4 3 2 1 पूरा हिल रहा है, पर बैलेंसिंग काफ़ी मस्त हो रही है। और यहाँ पर होने आया, होने आया, होने आया, होने आया, ओ शिट, ओ गिर गया। अभी आपने जैसे देखा हिंदू एकता ग्रुप का मंडल का कंप्लीट नहीं हो पाया, पर हार्ड लक और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। और काफ़ी मस्त किया, मतलब 8 थर लगाना एकदम इजी नहीं होता, काफ़ी हार्ड होता है। हम लोग जब भी स्टॉल में करते थे तभी 3 थर लगाने में भी हम लोग को मतलब कर ही नहीं पाते थे, और फिर हंडी जो रही नीचे लेनी पड़ती थी, और यहाँ पर तो 8 थर लगाने थे इनको। सो थोड़े के लिए चुप गए, पर होता है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। और ये ग्रुप है आर्यंस का, आर्यंस गोविंदा पतन। और आर्यंस गोविंदा पतक जो है काफ़ी स्पीड से ऊपर चल रहा है अभी तो, लेकिन देखते हैं 8 थर पूरा कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन स्पीड तो काफ़ी मस्त है, एक नंबर लगा मुझे। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो गया डन। ओए अभी ये देखते हैं कि इसका क्या गिना जाएगा, क्योंकि कंप्लीट हुआ है कि नहीं कुछ पता नहीं, पर सलामी दिए क्या पता, देखते हैं अभी रिजल्ट्स क्या आते हैं। अभी तीन टीम का हो गया है कंप्लीट, और अभी लास्ट राउंड है, लास्ट टीम का जो कि होगा जय जवान का, और काफी एक्साइटेड सब लोग, एक विनर होगा। चलो देखते हैं जय जवान कितने सेकंड में कर पाता, और कर पाता या नहीं, उन लोगों का टीम Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. दो तीन चार पाँच, पाँच थर हो गए, 5 6 7 8 और 3 छः, ओके तो ये लगा 6 7 हाँ डन 8। अभी बस कंप्लीट हो जाए बैलेंस, और इन लोग में कॉन्फिडेंस तो काफ़ी है। कंप्लीट होने है कंप्लीट, कितने सेकंड्स में होता है अभी वो देखते हैं। काफ़ी मस्त है, बैलेंस एक नंबर। सबसे आगे लड़के को जय जवान जय जवान।
तो गाइस अभी यहां पर सारे राउंड खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया और अभी विनर डिक्लेयर करेंगे। पर उससे पहले यहां पर प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो इस प्रेजेंटेशन के बाद प्रो गोविंदा चैंपियनशिप 2023 का विनर बताएंगे। सो आप बने रहो, हम भी बने रहते, आप भी बने रहो। सो चलो देखते हैं कि विनर कौन है। तो थर्ड रनर अप है यहाँ पर हिंदू एकता गोविंदा पतक। ओ, और इनका 3 लाख रुपए मिले और एक ट्रॉफी भी मिली है उनको साथ में। आता सेकंड रनर अप, एक ट्रॉफी प्लस 3 लाख रुपए का अवार्ड। वाओ, स्वागत करिए सेकंड रनर अप आर्यंस गोविंदा पतक। वो तो गाइज यहाँ पर सेकेंड रनर अप डिस्क्लोज हो चुका है जो कि है आर्यंस गोविंदा पतक। सो फर्स्ट देख लो अभी कौन है। प्रो गोविंदा 2023 जगात पहिल्यांदा होणारी दही हंडी कॉम्पिटिशन अशा मंचावर प्रो गोविंदा 2023 चे विजेते 42.51 सेकंड मध्ये आठवर लावले। टायटल होल्डर जगातला पहिला ग्रो गोविंदा लीग ची गोल्ड। जय जवान गोविंदा पथक यांना टायटल होल्डर म्हणून विनर्स म्हणून 11 लाख रुपये अवॉर्ड म्हणून मिळणार आहे। पहिली रीत आणि त्यांचे आमदार जय जवान गोविंदा पथक। प्रो गोविंदा चैंपियन 2023 जय जय। के चैंपियंस प्रो गोविंदा 2023 के चैंपियंस जय जवान पतक। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे बाहर और ऑलमोस्ट पूरा राउंड जो था अपना इवेंट जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। और चलो अभी आपको डायरेक्टली बाहर मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर जो भी जितना भी इवेंट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी मस्त इवेंट था, मज़ा आ गया देख के। और जो मतलब जय जवान जीते वो डिजर्व करते थे, काफ़ी मस्त विनर भी अच्छे थे और उन्होंने एंडिंग में भी काफ़ी अच्छा किया। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं।